तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइल ट्रांसफरिंग ऐप के बारे में जो कि गूगल का है। तो इसमें आपको बहुत लोग सोचेंगे कि ये तो मुझे पता है, और आपको यहाँ से आप ये सेटिंग यूज़ करके, और मैं इस वीडियो में 1 GB को शेयर करके भी दिखाऊंगा कि कितना टाइम लगता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐप बैन से पहले हमारे पास बहुत सारा शेयरिंग ऐप था जो कि हर फ़ोन में करता था, तो ये इसका स्पीड भी ठीक ठाक था। फिर ऐप बैन के बाद हमारे पास इंडिविजुअल कंपनी रह गए, तो हम वो उसी फ़ोन की कंपनी में काम करते थे। तो हम लोग ढूँढे और हम लोग को फिर मिल गया गूगल का फाइल्स, और ये इसमें आप शेयर कर सकते हैं, तो उसको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है हमारे सब्सक्राइबर और अनसब्सक्राइब के परसेंटेज। सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि आप दो स्क्रीन देख सकते हैं, दो फ़ोन के हैं ये, और एक फ़ोन से मैं 1 GB का फाइल भेज रहा हूँ। तो इसमें कुछ 1 मिनट टाइम लगता है, तो आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, या आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि मैं कोई चीटिंग नहीं की, इसलिए मैंने फुल वीडियो डाला। मेरा सब लोग बोलते हैं कि अरे तू चीट करता है, ये तूने पूरा पूरा वीडियो नहीं डाला, फलना ढिम कहना ये वो। और मैं दोनों पे ऑडियो प्ले करके भी दिखा दूँगा कि दोनों में ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जिस पे ऑडियो का सिंबल रहेगा उसका ही ऑडियो चल रहा होगा। तो ये देख सकते हैं आप, तो भी इसका ऑडियो चल रहा है। I need a weapon. और जिसके ऊपर ऑडियो का सिंबल नहीं है उसका ऑडियो नहीं चल रहा है। तो अब ये म्यूट हो चुका है और इसका ऑडियो चल रहा है। तो आप समझ आ सकते हैं कि दोनों ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं है और दोनों का क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जी बी है, तो आप लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि ये हर फोन में काम करेगा, क्योंकि ये गूगल के बारे में, गूगल बनाया है इसको, तो वो हर डिवाइस में काम करता है। तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपके पास कंपनी का है दो फ़ोन, तो एक ही कंपनी का है तो उसी से शेयर करें। बाय।